आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। गर्भवती महिला की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने शहपुरा थाने के सामने महिला और शिशु का शव रख कर विरोध किया। शहपुरा पुलिस पर आरोपियों को बचाने के लिए साधारण मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपियों को छोड़ देने का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज आईपीसी की धारा 294, 323, 506 वहीं धारा 302 और 314 जोड़ने की मांग पर पीड़ित परिवार अड़ा रहा। डिंडोरी जिले के शहपुरा में वार्ड नंबर 7 कछवाहा मोहल्ले में शनिवार को दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें विवाद के बीच आई एक गर्भवती महिला सीता कछवाहा के साथ एक युवक और दो महिलाओं ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे महिला को पेट और पैर पर गंभीर चोटें आई थी। इसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा लाया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। जबलपुर में इलाज के दौरान सोमवार को महिला और शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं शाहपुरा पुलिस ने रविवार को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। गर्भवती महिला के साथ मारपीट के मामले को पुलिस ने सामान्य मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया था, जिससे आक्रोशित परिजनों ने शमशान घाट से शव लाकर थाना परिसर का घेराव कर दिया और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा आरोपी राजेंद्र कुशवाहा को दिनभर थाने में रखने के बाद शनिवार और रविवार की रात को छोड़ दिया गया था, जिससे उन्हें लगता है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी बात से नाराज परिजनों ने थाना परिसर में शव रख थाने का घेराव कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। कई घंटों की कोशिशों से तहसीलदार, नगर निरीक्षक और समाज के विशिष्ट जनों ने परिजनों को समझाया और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को थाना परिसर से मुक्ति धाम ले जाकर शव का अंतिम संस्कार। जो महिला खत्म हुई है, उनकी जो सासी चाची सास है, वो अपने घर पे अपने बेटे को लेकर रो रही थी, क्योंकि उनका बेटा देहांत हो गया उनका। ऐसे में वो लोग आके उनसे झगड़ा करने लगे और आके मारपीट करने लगे। जब उनको मारने लगे तो बहू ऊपर से उतर के आई बचाने के हिसाब से, तो उन्होंने बहू के ऊपर लट्ठी लट्ठ बरसाए। इस कारण से बहू का भी देहांत हुआ, साथ में उसके पेट के बच्चे का भी और उसके हाथ पैर भी टूट चुके हैं। इसलिए उन लोगों को न्याय चाहिए। यहाँ हम लोग न्याय मांगने के लिए। इसकी शिकायत कहीं पे की है आपने? इसकी शिकायत हुई है यहीं के थाने पे हुई है। थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तब फिर दोबारा फिर किए हैं, तब थाने वाले बोले कि हम करके कर रहे हैं कार्रवाई करके। अब हमें आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना कछवाहा है, मेरी देवरानी लगती है, मामा सास की बहू थी। हम लोग दरवाजे पास बैठे थे, मौसी आई सार में गोबर करने लगी और अंदर थी, वो रो रही थी और वो वहाँ से आई तो कहने लगी कि मेरे को अगधार रहे हैं। वो घर जाकर अपने देवर को उठा लाई, देवर आया गाली बका और फिर जाकर डंडा ले आया। भाभी बच्चों को लेने आई थी और उसको मारने लगा। सास बहू दोनों आई थी, चुटैया पकड़ी थी, तो अम्मा गई थी, फिर अम्मा के बाद उसको भी मारे और इसको भी मारे। इसकी शिकायत आप लोगों ने हाँ किए थे, रिपोर्ट भी हुई है, इसका सोनोग्राफ भी हुआ, मम्मी एक्सरा हुआ और भाभी गर्भ। क्या घटनाक्रम के समय आप थे क्या वहाँ पे? जी, लेकिन बच्चों को पकड़ रहे थे कि बच्चों को न मार दे। आपके सामने पूरी घटनाक्रम थी? हाँ। आपका नाम क्या है? भारती कछवाहा। और आप हम उसको बोल भी रहे हैं कि तुमको गाली नहीं दे रही है, वो रो आ रही है। आप थाने में गए थे? मैं आपने लिखित शिकायत की थी क्या? जी। आपका नाम क्या है? क्या घटनाक्रम था? बता नहीं लगा, कोई घटना नहीं थी। उसके भाभी और उसके भैया यहाँ से जाते रहे, हमारी बहन का 26 साल का लड़का हमारा है, वो सार में गोबर समेटती रही है, रोती रही है। तो उसने जाके बतला दी अपन देवर को कि इन लोग गाड़ी देते, उनके साथ पहला विवाद हुआ था। तो उसने आ गया भैया मैया बहन बेटी करते करते जाके लट्ठी ले आया और मेरे को मारा, मेरी बहू को मारा, पीठ में काला पड़ा है। इसकी आप भी अपनी शिकायत किए थाने पे? जी। कब कब की घटना है ये? शनिवार की घटना। और बोल रहा था कि तुमको भी अंदर का रहेगा। इसको लेकर आप क्या कहना? 17 तारीख को जो है वार्ड नंबर 7 में जो है सीता कछवाहा और उनकी सास और दूसरा पक्ष जो है राजेंद्र कछवाहा, उसके घर की महिलाओं के बीच में विवाद हुआ था, जिस पर से सीता कछवाहा की रिपोर्ट पर जो है प्रथमी पंजीकृत किया गया है। जो यहाँ उपचार हुआ उनका, उसके बाद जो है जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में उपचार चला और उपचार के दौरान जो है आज जो है सुबह जो है मृत्यु हुई है। गर्भवती भी थी
जिसका जो है वहाँ पर जो है पीएम कार्रवाई सौ पंचनामा पीएम कार्रवाई कराई गई जबलपुर में और प्रकरण रूप से पंजीबद्ध है जिसमें विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। सर कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें राजेंद्र और उसके घर की दो महिलाएं हैं। सर पीड़ितों का आरोप है कि मामला में पाँच लोग हैं। पीड़ितों द्वारा जो लिखाया गया है बताया गया स्टेटमेंट तैयार कराई गई है उन्हीं के अनुसार की जा रही है उसमें जो तथ्य सामने आएंगे विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सा मामला पंजीबद्ध धाराएं लगी हैं? प्राथमिक तौर पर उन्हें जो है 17 तारीख को मारपीट से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध कराया था जो अभी चूँकि आज दिनांक को उसमें पीड़िता की जो है मृत्यु हुई तो उसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और डायरी जो पीएम कार्रवाई कराई गई है वो सब कलेक्ट करके उसमें जो है विधि संगत धारा के जाफा किया जाता है।